अच्छा, आपका एक बहुत ही ज़्यादा गाना वायरल हुआ था, हाँ हस मत पगली रे प्यार हो जाएगा। हाँ जी, ये भी उनका एक गाना आया है, एक वो ताबला और एक हरी हरी बोलनी, दोनों ही गाना बहुत प्यारा और मैंने दोनों पे रील्स भी बनाए इसलिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा किनको मानते हैं, खेसारी लाल या पवन सिंह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं फिलहाल पटना, देख सकते हैं मस्त यहाँ का लोकेशन है, अपने रूम पे हूँ और आज मैं जा रहा हूँ मिलने किन से, एक्ट्रेस कशिश सिंह से। एक्ट्रेस कशिश सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी खूबसूरत है, मैं बता दूँ उनका एक आज से दो तीन साल पहले गाना बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। कौन सा गाना था? हस मत पगली प्यार हो जाएगा। चलिए देखते हैं उनसे प्यार होता है या नहीं होता है। और दाढ़ी बनवा ली है, इसमें मत जाइएगा, चेहरा खराब लग रहा है। और मैं पहले ही वीडियो बना लिया हूँ लेकिन इंट्रो बाद में बना रहा हूँ, तो चलिए चलिए चलते। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं सेट पर और आज सेट पे मिले हैं कशिश सिंह जी। तो कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, नमस्ते, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ है? मैं यूपी आगरा से बिलोंग करती हूँ। यूपी में, आगरा से? हाँ जी। अच्छा, पटना सेट पर कैसे आना हुआ? पटना, मोस्टली मैं पटना में ही वर्क करती हूँ, मतलब मैं, मेरा अपना घर हुआ आगरा लेकिन मैं अभी शिफ्ट हूँ पटना में 5 साल से। अच्छा, 5 साल से। आज आपका किन के साथ शूटिंग है? आज हमारा बिल्डर जी के साथ शूट है। बिल्डरवा के पापा के जो नाम से फेमस है, वही ना? जी, ओम प्रकाश अकेला। हाँ जी, ओम प्रकाश। जो काफी ज्यादा कॉमेडी टाइप वो गाना निकालते हैं, अंताक्षरी वगैरह करके। उनका ज्यादातर सॉन्ग रहता है, सबसे पहले तो वो वर्गलिटी से दूर रहते हैं और जो भी रहता है एक नेचुरल चीजें दिखाते हैं, जो अपने हम अपने डेली जो जिंदगी जीते ना उस टाइप का, मगही भाषा में, मतलब भोजपुरी को वो बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने में। और जितना भी मैटर रहता है वो एक जमीनी मैटर रहता है जो कि लोग उनको बहुत प्यार भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, आपका एक बहुत ही ज्यादा गाना वायरल हुआ था, हस मत पगली रे प्यार हो जाएगा। हाँ जी, है ना? आज से लगभग कितने साल पहले? लगभग वो 2018 में शायद वायरल हुआ था, 18 या 19। आपका स्टार्टिंग टाइम का ही वो गाना था ना? स्टार्टिंग टाइम का नहीं था, मतलब एक साल के बाद मेरा वो गाना हिट हुआ था, उससे पहले भी काफ़ी सारे। सबसे पहले मेरा हिट हुआ था गुंजन जी का छठ सॉन्ग था। अच्छा, गुंजन जी के साथ? हाँ जी, छठ करो सालीन अकवार रहबू। अच्छा, ये गाना बहुत हिट हुआ था। उसके बाद सेकंड गाना था मेरा हस मत पगली प्यार हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा गुनगुना दिया जाए अगर याद हो तो। याद तो है पर अभी मेरा गला बैठा हुआ तो गुनगुना तो नहीं सकती हूँ मैं क्योंकि हल्का फुल्का नहीं, हल्का फुल्का होगा ही नहीं क्योंकि अभी अभी मेरी वॉइस भी मैं क्लियर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि सर्दी हो रखी है, मौसम इधर चेंज हो रहा है ना इसलिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सबसे ज्यादा किनको मानते हैं, खेसारी लाल या पवन सिंह? मैं सभी को मानती हूँ। सभी को? जी। अच्छा, अभी अभी उनका एक गाना आया है, एक वो ताबला और एक हरी हरी बोलनी, दोनों ही गाना बहुत प्यारा और मैंने दोनों पे रील्स भी बनाया है। अच्छा, रील्स भी बनाया है। हाँ जी। उनसे पहले उनका लाल घाघरा गाना आया था। हाँ, वो भी अच्छा था। जो भी गाने आते हैं सभी के गाने अच्छे होते हैं और सभी अपने आप में अच्छे होते हैं और हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि खेसारी जी गलत हैं, पवन जी सही हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं और सही होते हैं। अच्छा, आपका कभी खेसारी लाल जी के साथ या पवन सिंह जी के साथ सॉन्ग हुआ है शूट? हाँ, पवन जी के साथ मैंने साथ में नहीं किया बट उनका एल्बम किया था मैंने। अच्छा। और खेसारी जी के साथ में किया था, देवी गीत किया था। कौन सा एल्बम, कुछ याद है? हाँ, पवन जी का होली था। अच्छा। और खेसारी जी का देवी गीत था, नया साड़ी के फेर में अबेर जानी करा धनिया, बहुत ही प्यारा गाना था। उनके 3 सॉन्ग थे और बहुत ज़्यादा प्यारा शुरुआत भी मिला था उस सॉन्ग को। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ अब आगे कुछ क्या आएगा बवाल? आगे बवाल देखिए, अभी तो मैं मार्केट से थोड़े टाइम के लिए आउट हुई थी क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, बट अभी बहुत जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। लोकगीत में शायद कुछ बड़ा हो सकता है, शायद। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।